पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जताई थी। इसकी जांच के लिए पाकिस्तान ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की और 2016 में पाकिस्तान ने एक तरफा रूप से इस मांग को वापस ले लिया। इसके तुरंत बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया। पाकिस्तान चाहता था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन आपत्तियों पर फैसला करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ये हरकत IWT के डिस्प्यूट सेटलमेंट के आर्टिकल 9 के खिलाफ है। भारत ने इस मुद्दे को अलग से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने की मांग की थी। तब वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा कर सकती है, इससे IWT खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया सिंधु जल संधि के किसी भी प्रावधान में नहीं है। भारत कई बार पाकिस्तान से इस मुद्दे पर बात करना चाहता था, लेकिन पाक हर बार इस मुद्दे पर बात करने से इनकार करता रहा, जिससे भारत को मजबूर होकर इस संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी करना पड़ा।